हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रिंग का नया क्वेश्चन, जिसका नाम है शफल स्ट्रिंग। तो हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी और एक एरे ऑफ इंडिसेस दे रखा होगा, इंटीजर एरे सेम लेंथ का। ठीक है, आप ये थोड़े एच केसेस होते हैं जो इंटरव्यूअर से कंफर्म कर लिया करो, सेम लेंथ। ठीक है, इस पर ध्यान दिया करो। तो स्ट्रिंग एस को हम कुछ ऐसा शफल करेंगे जो उसका आईथ पोजिशन पे कैरेक्टर है वो इंडिसेस ऑफ आई का कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखो, स्ट्रिंग एस विल बी शफल्ड सच दैट द कैरेक्टर एट आईथ पोजीशन। जैसे यहाँ फोर्थ आई आईथ पोजीशन पे है ना, यहाँ पे देखो कोड लीट है, तो इसका पहला अल्फाबेट उठाओ। ठीक है, सी। तो अब सी यहाँ पे देखो फोर्थ पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न द शफल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, हमें इनपुट में ये दो स्ट्रिंग दे रखी है, कोड लीट और इंडेसेस दे रखी है ये, और हमें आउटपुट में क्या देना है, लीट कोड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो थोड़ा इनपुट एंड आउटपुट के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है, और बाकी एक ट्रिकी पार्ट है, मैं वो आपको बताऊंगा, और उससे देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आप ये मेरे को दो स्ट्रिंग दे रखी है, एस और इंडेक्स। इस सारी स्ट्रिंग को भूल जाओ, सिर्फ पहला जो अल्फाबेट है वो पकड़ो। इसका पहला अल्फाबेट मतलब पहला कैरेक्टर है सी, इसका पहला नंबर है फोर। अच्छा, अब मैं बोलूं एस ऑफ जीरो क्या है, तो एस ऑफ जीरो मेरा सी है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इंडिसेस इंडिसेस वेक्टर है ना मेरा, इंडिसेस ऑफ जीरो क्या है, तो वो फोर है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे सी दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एडिशनल एडिशनल स्ट्रिंग ले लूंगा आंसर नाम की, और आंसर ऑफ फोर में क्या कर दूंगा, सी कर दूंगा। तो इससे मेरी, और मैं ये लूप में करता रहूंगा और ये मेरी स्ट्रिंग बनती रहेगी। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसका नाम रिजल्ट है, तो आंसर ऑफ इंडेक्स ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ आई। देखो, मैंने कोड कुछ नहीं रटा, ना ही मैंने इसको कहीं पहले लिखा, सिर्फ मैंने बेसिक अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, कैसे लिखा, देखो मैंने सबसे पहला लेटर ये उठाया और ये उठाया, उसके बाद मैंने एस ऑफ जीरो देखा वो सी है, वो इंडेक्स ऑफ जीरो देखा वो फोर है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ये आंसर में फोर्थ इंडेक्स पे सी आ रहा है, तो मैं यहाँ यहाँ पे मेरा सी कैसे पहुंचाऊंगा, तो मैंने क्या, एस ऑफ जीरो, एस ऑफ जीरो में क्या है, सी है, इंडेक्स ऑफ जीरो में क्या है, फोर है, तो मैं बोलूंगा आंसर पे फोर्थ इंडेक्स में क्या पहुंचा दो, सी पहुंचा दो। आंसर में फोर्थ इंडेक्स पे क्या पहुंचा दो, सी पहुंचा दो। ठीक है, तो बेसिकली यही कोड था, और आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ओ ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ ऑफ एन है, क्योंकि हम एक एडिशनल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं आंसर नाम की। ठीक है, इसकी लीनियर अप्रोच क्या होगी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और आप ये अप्रोच भी बता दोगे तो नो इश्यूज यार, और काफी, अगर इंटरव्यूअर में इंटरव्यू आपसे ये पूछे, ठीक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये तो बता देना। ठीक है, ये काफी अच्छी अप्रोच है, और बाकी लीनियर अप्रोच आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है, कुछ पार्ट में आप लोगों के लिए भी छोड़ता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन वैसे आप देखो तो मैं ऑप्टिमाइज्ड वे में ही समझाता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए समझाया ब्रूट फोर्स, क्योंकि ब्रूट फोर्स इसकी बहुत आसान है, और मैं आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को थोड़ा इनहेंस करना चाह रहा था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो हम लोग कोड करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग आंसर, अच्छा आंसर में क्या डाल देंगे, एस डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं अपने इंडेक्स वाले वेक्टर पे आइटरेट करूंगा, वो स्ट्रिंग वाले वेक्टर पे एस डॉट साइज और आई प्लस प्लस, और मैं क्या करूंगा, आंसर ऑफ इंडिसेस ऑफ आई आई इक्वल्स टू एस ऑफ आई। ठीक है, और मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, एंड में रिटर्न कर दूंगा आंसर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो लेट्स सी कि कोड चलता है कि नहीं चलता है। यस, दिस इज एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं, एंड द कोड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। तो यार मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।